इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सेना से सुरक्षा की मांग की है। महिला T20 विश्व कप की मेजबानी के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सेना से सुरक्षा की मांग की है। तो जिस तरह के हालात बने हुए हैं, महिला T20 विश्व कप होना है, वर्ल्ड कप होना है, और उससे पहले, क्योंकि अभी बांग्लादेश में आपात स्थिति बनी हुई है, लगातार आगजनी की खबरें, हो हंगामे की खबरें, प्रदर्शन की खबरें और उग्र होने की, उग्र भीड़ के एक्शन लेने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में T20 विश्व कप की मेजबानी के लिए क्रिकेट बोर्ड ने सेना की सुरक्षा की मांग रखी है। बांग्लादेश में जिस तरह से हालात लगातार चिंताजनक बने हुए हैं, वो विपक्ष जो गाजा को लेकर खुलकर बोलता है, फिलिस्तीन का राग अलापता नजर आता है, वही विपक्ष अब चुप्पी साधे दिखाई दे रहा है, किसी से एक भी चीज बोलते नहीं बन रही। क्या हिंदुओं की जिंदगी यहां पर कीमती नहीं है बांग्लादेश में? सवाल ऐसे में इसीलिए खड़ा हो रहा है, और हम इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि आरोप भारत का जो लिबरल गैंग है उस पर लगना शुरू हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें अमेरिका के न्यूयॉर्क की है, जहां यूनाइटेड नेशंस के मुख्यालय के सामने सैकड़ों हिंदू हजारों किलोमीटर दूर सनातनियों पर हो रहे हमलों के खिलाफ इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इन हिंदुओं की मांग है कि विश्व में शांति के लिए स्थापित इस संस्था के अधिकारी बांग्लादेश के हालात पर भी कुछ कार्रवाई करें। न्यूयॉर्क में प्रदर्शन क्यों हो रहा है, इसकी वजह समझने के लिए अब आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें भारत बांग्लादेश सीमा की हैं, जहां हजारों लोग भारत में घुसने के लिए खड़े हैं। मुस्लिम कट्टरपंथियों के हमले से जान बचाने के लिए बंगाली हिंदू मारे मारे फिर रहे हैं। हिंदुओं की ये भीड़ ना तो वापस अपने घर जा सकती है, ना ही भारत में एंट्री कर सकती है। जान की भीख मांगते लोग बॉर्डर पर भी फंस गए हैं। पिछले मंडे से ये बंद है हमारा ICP, एंड नॉट जस्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, इवन जो लोग आते जाते हैं वो भी कुछ दिनों से बंद है, एंड वी आर वॉचफुल, इफ द सिचुएशन इम्प्रूव वी विल अगेन स्टार्ट। दरअसल बांग्लादेश के हालात बेकाबू हो गए हैं। सत्ता परिवर्तन के नाम पर शुरू हुआ उत्पात अब हिंदू विरोधी दंगों में बदल गया है। ना तो बांग्लादेश की सरकार और ना ही वहां के तथा कथित बुद्धिजीवी और छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोग हिंदू विरोधी हिंसा रोकने में सबके सब नाकाम साबित हो रहे हैं। कई दिनों से जारी हिंसा के बाद आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए ढाका की सड़कों पर बांग्लादेश के हिंदू नागरिकों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इनकी एक ही मांग थी कि बांग्लादेश की सरकार उन्हें इस्लामिक उग्रवादियों से बचाए। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे ने हिंसा रोकने में नाकाम रहने पर वर्तमान सरकार के कर्ता धर्ताओं पर सवाल खड़े किए हैं। I strongly suspect ISI. If you notice that the protests, now they were attacking the police with firearms, with weapons. बांग्लादेश में हो रही हिंदू विरोधी हिंसा ने भारत के उन बुद्धिजीवियों और सेक्युलर जमात के लोगों के चेहरे पर लगा नकाब भी उतार फेंका है, जो दुनिया भर के मानवाधिकार के नाम पर छाती पीटते रहते हैं। जो लोग कल तक गाजा में मारे जा रहे मुस्लिम लोगों के लिए भारत सरकार से मदद की अपील कर रहे थे, वही लोग हमारे ठीक पड़ोस में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर चुप्पी साधे हैं। यहाँ तक कि देश के विपक्षी नेताओं ने बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं की तरफ से आंखें मूंद रखी हैं। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी, तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके? हालांकि इस मामले को लेकर के भारत की केंद्र सरकार ने कमेटी गठित की है। ये समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ कम्युनिकेशन चैनल बनाएगी, जिससे वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस समिति की अध्यक्षता ADG सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमान करेंगे। समिति के सुरक्षा बलों से जुड़े कई दूसरे अधिकारी भी शामिल है। वहीं इस पूरे मामले पर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी शांत बैठी है।
भले ही बांग्लादेश से डराने वाली तस्वीरें आ रही हो, लेकिन किसी भी बड़े देश ने इसको लेकर अभी तक चिंता जाहिर नहीं की है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने भी अब तक सिर्फ जुबानी जमा खर्च ही किया है। पद संभालने के पहले उन्होंने सिर्फ हिंसा पर चिंता जताकर खाना पूर्ति की, लेकिन कामकाज संभालने के बाद हिंसा रोकने के लिए अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की। यहाँ तक कि बांग्लादेश में एक्टिव कई कट्टरपंथी संगठनों के नेताओं को भी सरकार में शामिल किया गया है, जिससे हिंसा घटने की बजाय और बढ़ सकती है। फिलहाल बांग्लादेश के हिंदुओं के पास अपनी जान खुद बचाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। बांग्लादेश में जो कुछ भी चल रहा है उस पर हमारे देश का विपक्ष एकदम चुप्पी साधे हुए है, और इसी को लेकर के असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सवाल किए हैं कि आखिरकार राहुल गांधी गाजा पर बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अभी तक बांग्लादेशी हिंदुओं पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, बल्कि बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या कहा गया है असम के मुख्यमंत्री की तरफ से, आपको सुनवाते हैं। जो कांग्रेस है, आप देखिए प्रियंका गांधी और कांग्रेस फैब जो परिवार है, उन्होंने गाजा के लिए कितना बार ट्वीट किया है। लास्ट 2-3 महीना में आप देखे गाजा के लिए ट्वीट करना, गाजा का अल्पसंख्यकों के लिए धरना प्रदर्शन करना, अब पूरा तमाम जो कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम को देखिए कि गाजा के लिए कितना हंगामा किया। हालांकि गाजा में जो हुआ था वो टेररिस्ट एक्टिविटी था, और जो भी हो रहा है ये एंटी टेररिस्ट कारोबार हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश का हिंदू के लिए ये कांग्रेस लोग कितना बार ट्वीट किया, कितना बार धरना प्रदर्शन किया। आज जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम है, लेकिन हिंदू का तकलीफ है हम नहीं है। हम खाली हिंदू का बीच में हिंदू को जातियों में तोड़ने का काम ही हमारा मकसद है, बाकी और हमारा कुछ लक्ष्य नहीं है। हिंदू अगर मर भी जाए, गाजा के लिए मैं 25 बार ट्वीट करूंगा, लेकिन बांग्लादेश का हिंदू के लिए एक बार भी मैं रोने का काम नहीं करूंगा। यही कांग्रेस है। सर, क्या बताता है सर? क्या बताना है? आप भी खुद, अगर मैं पता नहीं, अगर आप हिंदू है तो आप भी समझ लीजिए ये पीड़ा कैसा है। तो जहां भारत में लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, वहीं अमेरिकी संसद में भी भारतीय वहां के जो अमेरिकी सांसद हैं, थानेदार, उन्होंने विदेश मंत्री को एंटनी ब्लिंकन को इसको लेकर सवाल किया है। और बड़ी बात यही है कि इसको लेकर प्रश्न खड़े उनकी तरफ से किए गए हैं कि आखिर इस तरह का जो व्यवहार हो रहा है उस पर अमेरिका कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपको बताएं बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा अमेरिका में भी गूंजता दिखाई दे रहा है। भारतीय अमेरिकी सांसद थानेदार ने ये मुद्दा उठाया है, बांग्लादेशी हिंदुओं को शरण दे अमेरिका, उन्होंने ये मांग रखी है। और भारतीय अमेरिकी सांसद थानेदार ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को इसको लेकर चिट्ठी भी लिखी है। हिंदुओं पर हो रहे हमले को रोकने में दखल देने की मांग उनकी तरफ से रखी गई है। तो बांग्लादेशी हिंदुओं को शरण दे अमेरिका, ये अमेरिका के सांसद कह रहे हैं।